एक ऐसा रहस्य जिससे पिछले कई दशकों से पर्दा नहीं उठ पाया है। एक ऐसा खजाना जिसके भीतर मौजूद संपत्ति की सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। रत्नों का वो भंडार जिसके द्वार खोलने वाली चाबी किसके पास है, इस सवाल का जवाब कई सालों से ढूंढा जा रहा है। हिंदू धर्म के पवित्र चार धामों में से एक है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था और कलिंग वास्तुकला के आधार पर बने इस मंदिर में एक रत्न भंडार भी बनाया गया था। इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं, जो कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को चढ़ाए थे। और 2024 में उड़ीसा के चुनाव में भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार को खजाने की चाबी खोने के मुद्दे पर घेर रही है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है। अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मंडित करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे दो घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। मई को देश के प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। उड़ीसा के चुनाव में भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार की एंट्री कैसे हुई ये भी जान लीजिए। अब सवाल ये है कि चाबी गई तो कहां गई? रत्न भंडार मौजूद है लेकिन ताला बंद है। क्या चाबी वाकई खो गई है या जानबूझकर चाबी नहीं दी जा रही है? मोदी जब भी ओडिशा की जमीन पर कदम रख रहे हैं वो सीधे खजाने की चाबी के मुद्दे पर ओडिशा सरकार पर हमले कर रहे हैं। पूरी बीजेपी सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ खजाने की चाबी को लेकर घेरेबंदी कर रही है। रत्न भंडार की चाबियां कहां गुम हो गई? नवीन बाबू आप मुझे जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू आप जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी से ये भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? उड़ीसा के लोगों को, देश के लोगों को एक वायदा कर रहा हूं, राज्य के अंदर भाजपा सरकार बनने के बाद श्री रत्न भंडार की पारदर्शिता को, प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है। भगवान जगन्नाथ के रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत अरबों खरबों में बताई जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि रत्न भंडार को आखिरी बार 14 जुलाई 1985 में खोला गया था।
और तब इसमें रखे जेवरात की सूची बनाई गई थी। इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला, मतलब 40 साल से रत्न भंडार बंद है। रत्न भंडार में करीब 128 किलो सोना जबकि 221 किलो चांदी है। 12,831 सोने के भारी आभूषण है जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। इसके अलावा 22,153 चांदी के बर्तन और दूसरा सामान भी है। हालांकि इनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। जगन्नाथ मंदिर का ये रत्न भंडार दो हिस्सों में बटा हुआ है, भीतरी भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं, जबकि जो जेवरात इस्तेमाल नहीं किए जाते उन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा खुला हुआ है, लेकिन भीतरी भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। राज्य सरकार कहती है कि रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां मिली है। अब सवाल उठता है, ये डुप्लीकेट चाबियां क्यों बनाई गई? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये रत्न भंडार रातों में कोई खोलता था क्या? क्या डुप्लीकेट चाबियों से ये उत्तम भगवान के आभूषण चोरी होते थे क्या? कहीं और लापता होते थे क्या? क्या होता था? डुप्लीकेट चाबी वाला मामला, चाबी खो जाना गंभीर है, डुप्लीकेट चाबी उससे भी गंभीर है।